हमको आपसे शांति चाहिए, क्या शांति दोगे? शांति चाहिए, शांति। ये किसान यहाँ से बेइज्जती होकर नहीं जाएगा, किसान यहाँ से जीत कर जाएगा, सम्मान के साथ में जाएगा। किसानों के ऊपर जब जाएगा तो फूल बरसते जाएंगे। ये जो साजिश थी वो चले गए, जो तूफान था, जो दरकत, बड़े बड़े दरकत थे, जो खोखले दरकत थे, वे सब ढह गए, सब टूट गए, तूफान खत्म हुआ। अब जो है ये मजबूत दरकत है, ये ना टूटेगा ना ये हटेगा, अपनी मांगों के साथ में यहाँ अड़ा रहेगा। हमारे इशू है कि भारत सरकार राजकिशोर जी जो इशू हमारे हैं उस पर बातचीत करें, उनकी कोई मजबूरी है वो हमसे शेयर करें। हम भारत सरकार का भी सम्मान रखेंगे, उनकी कोई मजबूरी है वो हमको बताएं। हम नहीं चाहते कि देश की सरकार भी झुके पूरी दुनिया में, ना हमारे देश का नाम भी ऊंचा रहेगा, इस किसान का नाम भी ऊंचा रहेगा, और भारत सरकार को भी हम पूरी दुनिया में झुकने नहीं देंगे। कोई चीज है तो हम बतावे, हम समझौते करवाएंगे किसानों से। कोई चीज है आप खुलकर बताओ, आप हमको क्या मजबूरी है। कोई मजबूरी आपकी होगी तो आप बता दो, हम पंचायत को मानने वाले लोग हैं, हम शांति से समझौता चाहते हैं, हम शांति से समझौता चाहते हैं, शांति से समझौता हम चाहते हैं। हमारी अपील है कि भारत सरकार हमारे से बात करें, जो इशू है हमारे उस पर बातचीत करें। देने वाली सरकार ही है, उसी से हम लेंगे, कोई विपक्ष वाले नहीं है कि विपक्ष हम लेंगे। विपक्ष का तो सहयोग चाहिए, वे आ रहे हैं, वे हमारे मेहमान हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। उनके लिए मंच नीचे लगा दिया, वे ऊपर से नहीं करेंगे, वे नीचे है, अपना एड्रेस करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। उनका स्वागत है, धन्यवाद है, जो इस मुसीबत के टाइम पे किसानों के साथ में खड़ा हुआ है उसका धन्यवाद है। आप सभी लोग जो यहाँ से भी है वो बैठ ले, ये कैमरे ना उड़ जा, इसमें एक पुलिस का होगा और एक अपना किसान का होगा, ये ना हो कि हवा के हवा में टकरा हो, लड़ा कर। आप आगे से हटो भाई, जो लोग प्रेस के नहीं है सामने से आप बैठो भाई। अभी आप बताओ कुछ भी, आप जो पूछोगे वो बोल लूंगा। किसान एक दिन आएगा सरकार को जय किसान बोलना पड़ेगा, सरकार को जय किसान बोलना पड़ेगा। अमृतसर से नहीं जल, पूरी दुनिया से जल आएगा हिंदुस्तान के किसान के लिए। आज दरबार साहब का जल आएगा, सब जगह से आएगा, आया है दरबार साहब का जल आएगा। ये किसान की पगड़ी का सवाल है, जल पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से आएगा। हमें दो चीज पे विश्वास है, एक तो ऊपर लेवल हमने देखा, वो हमको दिखाई दिया, उसने हमको कहा, और नीचे हमको प्रेस पर विश्वास है। नीचे की जो भगवान है वो हमने अखबार को देखा, प्रेस को देखा, मीडिया को देखा, उसने जो दिखाया ठीक है जी, जो हमने देखा, जो मीडिया का लोगों का जो हमने रोल देखा, उन्होंने अपने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, उनके ऊपर बंदूक का पहरा होते हुए भी हमको दिखाया, हम उसके ऋणी रहेंगे, सारी जिंदगी उसके ऋणी रहेंगे। ये आंदोलन प्रेस का बचाया हुआ आंदोलन है, इनका स्वागत करो, इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करो, प्रेस के ऊपर। प्रेस के ऊपर पुष्पों की वर्षा करो, वर्षा। आपका धन्यवाद है सबका, पूरी हिंदुस्तान की मीडिया के, आपने सब कुछ तोड़ के हमको दिखाया, ये उसी का ही नतीजा है कि हमको आपने दिखाया। वो कमेटी में तय होगा, कमेटी में हम सरकार से बात करेंगे, जो भी फैसले होंगे अंदर कमरे में बैठ के होंगे,
हम सरकार से फैसला चाहते हैं कि सरकार बैठ कर बातचीत करे। नहीं नहीं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसान को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से किसान निकल चुका है। वो एक षड्यंत्र था, किसानों का मनोबल डाउन करने का षड्यंत्र था। किसानों का मनोबल कम नहीं होगा, किसान मजबूती के साथ में लड़ेगा। किसान जीत के जाएगा, किसान हार कर नहीं जाएगा। किसान जीतेगा, सरकार भी न हम सरकार को हराना चाहते न हम किसानों को चाहते, लेकिन किसान सम्मान के साथ में रहेगा। वो देखेंगे देखेंगे, विदेशी भी देखेंगे, जो हमारे लोग वहां पे हैं पूरी दुनिया देखेगी। हमारे देश का नाम ऊंचा होगा, सरकार का भी हम सर नहीं झुकने देंगे और किसान का भी पगड़ी नहीं झुकने देंगे। दोनों को हम करेंगे, सम्मान रखेंगे दोनों का। ये मेरे आंसू नहीं थे, ना मैं कुछ हूँ, ये किसान के आंसू थे। आप जो फोरम के लोग हैं, हाँ जब फोरम के लोग हैं ये यहाँ पर लगाते बहलना बहलना, हाँ मैं असली काम तो हमारा यही तो था। हाँ आप भीड़ यहाँ के ऐसे नहीं डिस्टर्ब ना करो। आप बैनर दे दो बस, आप बैनर दे दो बैनर। अरे ऐसा ना करो भाई, भीड़ आप बैठ जाओ नीचे, ये बैनर ऊपर दे दो। आप बैनर दे दो बस इनका, आप लोग सब बैठ जाओ, बैनर दे दो बस। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उनका धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और जो उन्होंने संवाद की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे, सरकार और किसानों के बीच में संवाद वे करवावे। उनका धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का।